हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों सबसे पहले तो हैप्पी दिवाली सभी को, खूब सारा एंजॉय करिए और साथ साथ में पढ़ाई भी करते रहिए। और आज इस रीजनिंग की वीडियो में हम देखने वाले हैं रीजनिंग के कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो कि बार बार पूछे जाते हैं आरपीएफ के लिए, एसएससी जीडी के लिए, हरियाणा एसएससी के लिए, बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो प्लीज़ आप वीडियो को एंड तक देखिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ में भी शेयर करिएगा। और जो दोस्त अब तक चैनल साथ में नहीं जुड़े हैं तो नीचे रेड कलर का बटन दबा करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिएगा ताकि आपके पास लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पहुँचते रहे। और देखिए दोस्तों, मैं अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पे पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे मैंने बहुत सारी मैथ की वीडियो अपलोड की है। अगर आपको वीडियोस देखनी है अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करके वहाँ पे सौरभ मलिक सर्च करके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और उन सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को, और मैं आशा करता हूँ कि आप वीडियो को पूरा एंड तक देखेंगे और वीडियो को लाइक शेयर भी जरूर करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है आपका वेन डायग्राम से। तो इसमें दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा आरेख छात्र, कॉलेज और स्कूल के मध्य संबंध को सही निरूपित करता है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। अगर मैं मोटे मोटी सी बात करूं सबसे पहले, तो क्योंकि वेन डायग्राम का जब भी हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो सबसे पहले एक चीज़ देखते हैं कि जो चीज़ें हमें दी जाती है, तीन चार जो भी जितनी भी चीज़ें दी जाती है उनके बीच में कोई रिलेशन है या नहीं है। तो इनके छात्र, कॉलेज और स्कूल के, देखिए स्कूल और कॉलेज दोनों में ही छात्र होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे रिलेशन तो है। अगर कोई भी वेन डायग्राम ऐसा शो होता है कि ये तीनों मतलब अलग अलग को शो करते हैं तो उसको तो हम डिस्कार्ड कर देते हैं, वो आपका राइट आंसर नहीं होगा। बट यहाँ पे चारों के चार ऑप्शन में ही कुछ ना कुछ रिलेशन शो हो रहा है। अगर मैं अब डिस्कार्ड करने की बात करूँ तो ये वाला ऑप्शन कभी नहीं हो सकता, क्योंकि ये वाला ऑप्शन क्या शो करता है कि कुछ छात्र आपके कॉलेज के हो सकते हैं और कुछ कॉलेज के और कुछ आपके स्कूल के। और यहाँ पे ये छात्र वाला जो है ना, कोई भी छात्र अब सोच के देखिए, कोई भी छात्र एक ही टाइम पे या तो स्कूल में ही पढ़ेगा या कॉलेज में ही पढ़ेगा, दोनों जगह तो नहीं पढ़ सकता ना। तो ये वाली वही कंडीशन को शो कर रहा है, तो ये नहीं हो सकता। फिर बी ऑप्शन है, यहाँ पे हम इस को तो मान लेंगे छात्र, और ये कुछ छात्र आपके कॉलेज के हो सकते हैं, कुछ छात्र आपके स्कूल के हो सकते हैं, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। बट फिर भी नेक्स्ट ऑप्शन चेक कर लेते हैं। जैसे ये वाला कभी नहीं हो सकता क्योंकि ये सभी वाली कंडीशन को शो कर रहा है। फिर नेक्स्ट वाला ये क्या शो कर रहा है कि कॉलेज और स्कूल के छात्र, यानी कि कॉलेज और स्कूल, और ये आपका मतलब छात्र हो जाएगा। तो देखिए छात्र में कोई डिफरेंस नहीं होता है, स्कूल में भी छात्र ही होता है, कॉलेज में भी छात्र ही होता है, तो ये वाली कंडीशन को भी शो मतलब राइट नहीं होगी। तो ऑब्वियसली बात है आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है और ये क्वेश्चंस अभी भी पूछे जा रहे हैं आपके एग्जाम में, तो देख लेते हैं। यहाँ पे दिया गया, यदि डिक्शनरी को 5479482361 लिखा जाए तो यार्ड को किस कोड में लिखा जाएगा। यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बताऊंगा, बहुत ही सिंपल है। देखिए डिक्शनरी अगर लिखा है तो इसका या तो ये जिस नंबर पे आएगा उस पे लिखा होगा, अगर ऐसा नहीं लिखा है ना तो ज़्यादातर चांसेस यही होता है कि जो कोड यहाँ पे यूज़ किए गए हैं और फिर उसके बाद जो पूछा जाता है यानी कि यार्ड के लिए क्या कोड यूज होगा, तो आपको बस ऊपर वाले में चेक करना होता है कि यहाँ पे वाई है तो वाई के लिए कोड क्या यूज़ किया गया, लास्ट है तो वन, तो यहाँ पे वन आ जाएगा। फिर यहाँ पे आपका क्या होगा, ए के लिए क्या कोड यूज किया गया, ये लास्ट से थर्ड है, थर्ड नंबर, तो थर्ड नंबर का थ्री हो जाएगा, तो ये थ्री हो जाएगा। फिर आर देखिए, आर यहाँ पे आपका सेकंड नंबर है तो यहाँ पे सेकंड नंबर सिक्स हो जाएगा, और ये आपका डी है, डी का आपका देख लीजिए फाइव, तो ये फाइव हो जाएगा। तो 13 और 65 यानी कि 1365 देख लीजिए कौन सा है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं, सभी टाइप के क्वेश्चंस कराऊंगा, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, एक्सपेक्टेड है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पूरी वीडियो को जरूर देखिएगा और हो सके तो लाइक करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे यह है आपका, एक बार ट्राई करके देखिए। यहाँ पे दिया गया है, नीचे एक मूल शब्द दिया गया है, उसके विकल्प के रूप में चार विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक विकल्प में दिया गया शब्द मूल शब्द के अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता, उस विकल्प को ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे जो दिया गया है एलिमेंट्री, तो देखिए एलिमेंट्री जो दिया गया है इसे आपको कैसे चेक करना है, चार ऑप्शन आपके सामने है। यहाँ पे आपको पहला ऑप्शन चेक करना है कि ये इसमें से बन सकता है नहीं बन सकता, तो कैसे चेक करेंगे, जैसे एल है तो एल इसमें भी है, इसमें भी है, ए है तो ठीक है, ए भी है, एम है, एम भी है, ई भी है और एन भी है और टी भी है, इसका मतलब ये तो बन जाएगा। नेक्स्ट आपका ऑप्शन बी को चेक करते हैं, तो एल है, देखिए एलिमेंट्री में कहीं पे भी यू यू का यूज नहीं हुआ और बी ऑप्शन में आपका यू का यूज हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं बन सकता है। तो आपका राइट आंसर तो मिल चुका है, बट फिर भी एक बार ट्राई कर लेते हैं, क्या पता इन दो ऑप्शन में से भी हो, कई बार क्वेश्चन रॉन्ग हो सकता है, बट अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप ऑप्शन पे बी पे लगा के नेक्स्ट चल सकते हैं। टी देखिए इसमें भी है, ई इसमें भी है, आर भी है इसमें, एम भी है और ई भी है,
ठीक है, सॉरी ये वाला दूसरे वाला ही, तो ये बन जाएगा ठीक है। फिर नेक्स्ट वाले को और देखा जाए, एम बी है और ई बी है, ये दूसरे वाला सॉरी ए बी है और आपका ए बी है, एन बी है, एल बी है और वाई बी है, यानी कि ये भी बन जाएगा, ये भी बन जाएगा, ये भी बन जाएगा, बट इसमें यू है तो इस ये नहीं बनेगा, तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, यह आपको बताना है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे डिफरेंस, क्योंकि ज़्यादा स्पीड से नहीं इंक्रीज हो रही है। देखिए सीरीज को आप दो तीन तरीके से ट्राई कर सकते हैं। सीरीज को सबसे पहले देखिए मतलब कितनी स्पीड से इंक्रीज हो रही है। अगर बहुत ज़्यादा स्पीड से सीरीज इंक्रीज होती है तो उसमें कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई चलती है, मल्टीप्लाई प्लस भी चल सकता है, बट फिर यहाँ पे अगर आप देखेंगे स्क्वायर क्यूब रूट, वो आपको समझ में आ जाएगा। अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पे देखिए इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, 15 का ठीक है। फिर नेक्स्ट कितना का है, 15, दो दो का मतलब दो दो प्लस करके चल रहा है 17, 17 में दो प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 19, तो 19 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा, 82 में 19 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा भाई 101, 101 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका 101 राइट आंसर हो जाएगा ठीक है। फिर इससे नेक्स्ट में हमने प्लस किया, 101 में प्लस कितना करेंगे जो 122 बन जाए, तो यानी कि 21 प्लस करेंगे, यानी कि 19 20 21, तो 19 में प्लस दो करके, तो आपको समझ में आ गया 15 ठीक है, 17 19 21 इस तरीके से इंक्रीज चल रही थी आपकी सीरीज। तो आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, ऑप्शन बी सॉरी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन है और इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसलिए मैं इसको लेके आ गया हूँ। इसमें बोला गया है सार्थक शब्द बनाने के लिए निम्नलिखित अक्षरों को सुलझाइए और फिर अक्षरों की सही अंकीय स्थिति ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको नंबर बताना है, इसका एक मीनिंगफुल वर्ड बताना है इसको यूज करके। अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखें तो इसमें आपका रेस्टोरेंट बन जाएगा ठीक है। कैसे, देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लेंगे आर ठीक है, आर किसी को भी ले लीजिए। अगर रेस्टोरेंट बनाना है तो हम इसको आर मान लेते हैं, आर ठीक है, और आपका हो जाएगा ई, आर ई एस, फिर आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टी, और ये हो जाएगा आपका ए, और ये हो जाएगा आपका फिर यू, और ये हो जाएगा आपका आर, फिर और ये हो जाएगा आपका ए, और ये हो जाएगा आपका एन और टी, यानी कि इसको यूज करके क्या बन जाएगा आपका रेस्टोरेंट। यानी कि आपने सबसे पहले क्या कौन सा लिया, आर लिया था सबसे पहले ठीक है। तो आप ये देख लीजिए इसमें थ्री कहाँ पे हो रहा है, थ्री इसमें किसी में नहीं है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपको पूरा सोल्व करने की ज़रूरत भी नहीं थी, बस यहाँ पे आपको ये पता चल जाता ना कि रेस्टोरेंट इससे बन रहा है, क्योंकि आप इसकी पूरी स्पेलिंग को देखिए, रेस्टोरेंट की स्पेलिंग को पूरा उल्टा सीधा करके लिख दिया गया है और उससे पूछा है कि इसमें मीनिंगफुल वर्ड क्या बनेगा। तो मीनिंगफुल वर्ड आपका रेस्टोरेंट बन जाएगा, जिसको किस सिक्वेंस में लगाना होगा, सबसे पहले थ्री को, फिर उसके बाद वन को, फिर उसके बाद एस को। तो इसमें देख लीजिए 3 1 2 इस तरीके से आप लगाएंगे तो ये आपका पूरा का पूरा रेस्टोरेंट बन जाएगा, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, छात्रों की एक पंक्ति में निवान अंतिम एक से 7वें स्थान पर और प्रारंभिक दूसरे से 11वें स्थान पर है, पंक्ति में छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे बोला है प्रारंभिक दूसरे से 11वें स्थान पर है, तो यहाँ पे हमारा दूसरे नंबर से काउंट किया गया, इसका मतलब इसमें प्लस वन करना पड़ेगा। तो बिल्कुल आपका सिंपल होता है, जो इसका अंतिम से 7वां है और प्रारंभिक से आपका 11 प्लस 1, दोनों को प्लस करेंगे और माइनस वन कर देंगे ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका, बिल्कुल सिंपल सा है, यहाँ पे 7 प्लस 12, क्योंकि 11वां जो है ना दूसरे स्थान से है, तो हमें एक प्लस करके ऐड करके चलना पड़ेगा। तो 7 और 12 कितना हो जाएगा 19, 19 में से एक माइनस करेंगे, क्योंकि जो इसका अंतिम से है और प्रारंभिक से है वो दो बार काउंट हो जाता है, तो हमें एक माइनस करना पड़ता है, जिसमें आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। तो यहाँ पे 19 यानी कि ऑप्शन सी मत लगा दीजिएगा, ऑप्शन बी ही यहाँ पे राइट आंसर रहेगा, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से करिएगा ठीक है। नेक्स्ट है आपका, उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब होगी। देखिए दर्पण प्रतिबिंब की अगर मैं बात करूँ, यानी कि मिरर इमेज की अगर मैं बात करूँ, तो मिरर आपका देखिए यहाँ पर अगर रखा होगा ठीक है, और इसमें आपका क्या कौन सा आपकी फिगर सही होगी, तो यहाँ पे आपको पूरा सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए कैसे करना है, अगर मैं यहाँ पे मिरर को रखता हूँ और तो इसका आर इस तरीके से बन जाएगा ठीक है, तो आर इसमें भी ऐसे, इसमें भी ऐसे, इसमें भी, यानी कि ऑप्शन डी तो आपका कट हो गया। आपके पास तीन ऑप्शन बचते हैं,
उसके बाद ई आएगा, ई का फेस इस डायरेक्शन में है तो ई को हम ऐसे लिख देंगे। तो ई देखे कितनों में, इसमें है ई, ऐसे ई इसमें है, इसको हटा देंगे। दो ऑप्शन बच गए हमारे पास, इन दो में ट्राई करना है। वाई देखिए, अगर मैं वाई की बात करूँ तो यहाँ पे अब की बार आपका वाई तो वैसा का वैसे ही रहेगा, तो अगर मैं इसमें देखूँ तो यहाँ पे तो पी आ गया, इसका मतलब रॉन्ग हो चुका है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें आपको पूरा क्वेश्चन सोल्व करने की जरूरत नहीं होती है, ऑप्शन से अगर आप करते हैं तो इजीली हो जाता है, 2 या 3 स्टेप में आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, जो कभी भी गलत नहीं हो सकता है। क्वेश्चन को दो, देखिए दो कंडीशन हो सकती है, आप पूरे को सोल्व करके भी गलत कर सकते हैं, और जो ऑप्शन से करेंगे कभी गलत नहीं हो सकता है, तो गलत भी नहीं होना चाहिए ना। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गई होगी। जैसे मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ, जो चीज़ें मिरर के पास होती है वो पास में रहती है, जो दूर होती है दूर होती है। तो यहाँ पे जैसे आर लिखा था आपका, तो ये मिरर के पास में था, मिरर के पास में किस डायरेक्शन में था, इस डायरेक्शन में, तो यानी कि मिरर के पास में जो चीज़ें थी आर की वो ये वाली थी, तो यही वाली आएगी। फिर ई देखिए, मिरर के इस डायरेक्शन में ई है आपका, तो दूसरे नंबर पे ई आपका इसी डायरेक्शन में आएगा। वाई वैसा का वैसा ही रहेगा, ए भी वैसा का वैसा ही रहेगा, फिर दोबारा से आर आपका वैसा रहेगा, फिर आपका पी ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप बिल्कुल ईजिली कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, इसमें बताना है आपको असंगत का पता लगाइए, इनमें से अलग कौन सा है। अगर मैं बात करूँ तांबा, पीतल, टीन और जस्ते में अलग कौन सा है, तो इसमें आपका देखिए पीतल अलग हो जाएगा, क्योंकि एक ये मिश्र धातु है, तांबा, टीन और जस्ता ये आपकी धातुएं होती हैं, पीतल आपका मिश्र धातु होता है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। तो ये चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए, थोड़ी बहुत नॉलेज होगी तो ये चीज़ें आप बिल्कुल इजीली कर लेंगे। रीजनिंग में भी कहीं ना कहीं आपका जीके का और थोड़ा सा जनरल अवेयरनेस का पोर्शन भी आना चाहिए। ठीक है, कई क्वेश्चन इसी टाइप के पूछे जाते हैं, जो आपको पता होगा तो इजीली कर लेंगे, अगर नहीं पता होगा तो आपको छोड़ना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्न संख्याओं का अध्ययन कीजिए और उचित विकल्प ढूंढकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। तो यहाँ पे ये सीरीज है, इसको आपको पूरा करना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और आप इसको इजीली कर भी लेंगे, और इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। स्टार क्वेश्चन है ये और सिंपल है ना। तो इसको मैं अगर 2 से डिवाइड करूँ 3 आएगा। ठीक है, फिर 12 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूँ तो 6 आएगा। 24 को 12 से डिवाइड करूँगा तो 12 आएगा। तो देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन था ये आपका, यहाँ पे 12 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो सीरीज होती है ना, इसमें छोटी छोटी चीज़ें आपको देखनी होती है, डिवाइड, मल्टीप्लाई, प्लस, माइनस, इनसे ही आपकी सीरीज बन जाती है। बस ध्यान रखिएगा, कई बार सीरीज में दो दो चीज़ें भी चल जाती है, एक बार डिवाइड होगा फिर उसमें कुछ प्लस माइनस भी हो जाता है, तो उसके बाद आपका सीरीज का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा हार्ड लेवल का बन जाता है। अभी तक तो ग्रुप डी में और इन आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाता इतना, बट फिर भी इन चीज़ों को भी आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। जैसे मैंने आपको स्टेप बाई स्टेप बता रखा है, सबसे पहले कि सबसे पहले प्लस माइनस चेक करिए, उसके बाद रूट, क्यूब रूट चेक करिए, उसके बाद आप डिवाइड, उसके बाद मल्टीप्लाई, इस तरीके से एक सीक्वेंस में चेक करेंगे तो आपकी सीरीज जल्दी से जल्दी चेक भी हो जाएगी और आपका कोई भी पोर्शन नहीं बचेगा। कि आप मतलब कई बार क्या होता है, मिक्स चेक कर लेते हैं, यानी कि सबसे पहले आपने प्लस देख लिया, माइनस देख लिया, डिवाइड, मल्टीप्लाई, कोई चीज़ बीच में छूट गई तो उसी में ही आप अटके रह जाएंगे, उसी से ही आपका आंसर नहीं आ पाएगा। ठीक है ना, तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका, यदि ए का अर्थ जोड़, सी का अर्थ भाग, डी का अर्थ गुना, बी का अर्थ घटना है, तो 72C9D2B6A10 का मान होगा। तो जहाँ जहाँ पे आपका देखिए ए का मान क्या बोला गया, जोड़, तो ए कहाँ पे लिखा है इसको प्लस कर देते हैं, सी का भाग, सी का अर्थ है भाग तो इसको भाग कर देते हैं, डी का अर्थ है आपका गुणा तो गुणा कर देते हैं, और बी का अर्थ है आपका घटाना तो यहाँ पे माइनस कर देते हैं। तो इस तरीके से हमने पूरा का पूरा चेंज कर लिया है। अब बोर्ड मास का रूल अप्लाई करते हैं हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखिए ये हमने पूरे साइन चेंज कर लिए ना अपने सारे के सारे, तो इसको बोर्ड मास क्या कहता है। सबसे पहले बोर्ड मास का रूल कहता है कि ब्रैकेट वाली अगर ब्रैकेट है ना उसको सोल्व करिए, उसके बाद ऑफ वाली मल्टीप्लाई है कहीं पे उसको सोल्व करिए, उसके बाद डिवाइड करिए। तो ना ही यहाँ पे कहीं ब्रैकेट है, ना ही यहाँ पे कहीं पे ऑफ वाली मल्टीप्लाई है, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 9 से 72 को डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा, 8 टाइम, तो 8 हमने लिखा, मल्टीप्लाई 2 लिखा, -6 + 10 कर लिया। सेकेंड स्टेज पे बोलता है बोर्ड मास की डिवाइड होने के बाद में मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई यहाँ पे इन दोनों की होगी, तो 8 × 2 = 16, तो यहाँ पे 16 - 6 + 10। तो उसके बाद बोलता है बोर्ड मास कि आप क्या करिए, प्लस करिए, और उसके बाद सबसे लास्ट में आपका सबट्रैक्ट करिए, तो यहाँ पे कितना होगा, 10 और 16 कितना हो जाएगा आपका, 26 में से 6 जाएगा तो आपका 20, तो ये आपका 20 राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, और इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ये क्वेश्चन सारे के सारे हैं जो अभी आपका ग्रुप डी और ALP में पूछे जा चुके हैं।
ठीक है ना। तो आगे आरपीएफ का एग्ज़ाम आ रहा है, फिर यूपी पुलिस का आ रहा है, और एसएससी जीडी भी आ रहा है। बहुत सारे एग्ज़ाम जो है बैक टू बैक आने वाले हैं, तो उनमें भी आपके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको समझ में भी आ रहे होंगे। यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका कथन निष्कर्ष है, इसमें बोला जा रहा है कथन दिया गया है, एक जंगल में अशोक के पेड़ों की तरह बहुत से चंदन के पेड़ हैं, तीन चौथाई पेड़ पुराने हैं तथा आधे पेड़ पुष्पन की स्थिति में हैं। तो निष्कर्ष इसमें क्या क्या है, एक बार दोबारा से पढ़ते हैं। एक जंगल में अशोक के पेड़ों की तरह बहुत से चंदन के पेड़ हैं, अशोक के पेड़ों की तरह बहुत से चंदन के पेड़ हैं, तीन चौथाई पेड़ पुराने हैं, उनमें से तीन चौथाई पेड़ पुराने तथा आधे पेड़ पुष्पन की स्थिति में है। ठीक है, निष्कर्ष देखते हैं, निष्कर्ष से अब क्लियर हो जाएगी चीज़ें। सभी चंदन के पेड़ पुष्पन की स्थिति में है, तो ऐसा तो कहीं पर नहीं बोला गया, क्योंकि दोबारा से पढ़ के देखिए। तथा यहाँ पे बोला तीन चौथाई पेड़ पुराने हैं तथा आधे पेड़ पुष्पन की स्थिति में है, तो सभी वाली कंडीशन तो बिल्कुल एकदम रॉन्ग हो जाएगी। नेक्स्ट बोला जाए अशोक के पेड़ों में से कम आधे पेड़ पुराने हैं, तो यहाँ पे जो बोला जा रहा है आपका अशोक के पेड़ में से, एक जंगल में अशोक के पेड़ों की तरह बहुत से चंदन के पेड़ हैं, तीन चौथाई पेड़ पुराने हैं तथा आधे पेड़ पुष्पन की स्थिति में है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है आपका अशोक के पेड़ों में से कम आधे पेड़ पुराने हैं, तो ये भी कहना यहाँ पे रोंग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बात की जा रही है तीन चौथाई पेड़ों की, तो तीन चौथाई पेड़ में आधे का कोई मतलब नहीं होगा, तो ये दोनों के दोनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। तीसरे वाला आपका सी ऑप्शन कहता है चंदन के पेड़ों में से आधे पेड़ पुष्पन की स्थिति में है, तो ये आपका देखिए राइट हो सकता है। कैसे हो सकता है चंदन के पेड़ों में से आधे पेड़, तो यहाँ पे जो बोला जा रहा था कि जंगल में अशोक के पेड़ों की तरह बहुत से चंदन के पेड़ हैं, तीन चौथाई पेड़ पुराने हैं तथा आधे पेड़ पुष्पन की स्थिति में, तो आधे पेड़ पुष्पन की स्थिति में है, तो यहाँ पे ये हम राइट कर सकते हैं कि चंदन के पेड़ों में से आधे पेड़ पुष्पन की स्थिति में होंगे। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट बोला जा रहा है सभी अशोक के पेड़ पुष्पन की स्थिति में, तो फिर सभी वाली कंडीशन तो यहाँ पे हो ही नहीं सकती, ये भी रॉन्ग हो जाएगा, ये भी रॉन्ग हो जाएगा, ये भी रॉन्ग हो जाएगा, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो ऐसा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। ये था आपका आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, और इसके पीडीएफ आप डाउनलोड कहाँ से कर सकते हैं आप सभी को पता है, टेलीग्राम चैनल से, जहाँ पे मैं डेली पीडीएफ अपलोड कर देता हूँ आपका जो भी ऑनलाइन टेस्ट होता है उसकी पीडीएफ भी, और जितने भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ आपका टॉपिक स्टडी चैनल पर, वो भी सारी पीडीएफ आपको वहाँ पर मिल जाती है। तो ये सारी पीडीएफ आप डाउनलोड करने के लिए नीचे जो लिंक दिया गया है टॉपिक स्टडी टेलीग्राम का, वहाँ से जाके ज्वाइन कर लीजिए, या फिर डायरेक्ट आप सर्च कर सकते हैं टॉपिक स्टडी टेलीग्राम पर। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूँ कि आपने वीडियो को लाइक शेयर तो कर ही दिया होगा, अगर नहीं किया तो कर दीजिएगा, और हैप्पी दिवाली अगेन, अच्छे से सेलिब्रेट करिए, पटाखे तो कम छोड़िएगा, मिठाइयाँ ज़्यादा खाइएगा, और इसी तरीके से अपना पढ़ाई भी साथ साथ में करते रहिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।